थाना परमिली द्वारा 11 अगस्त 2022 से 17 अगस्त 2022 के बीच पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल, अपर पुलिस अधीक्षक सौम्य मुंडे की अवधारणा से पुलिस अधीक्षक समीर शेख, अपर पुलिस अधीक्षक अनुस्तारे के साथ ही अनुमंडल पुलिस अधिकारी अमोल ठाकुर सर के मार्गदर्शन में भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर पुलिस डेटलोरा विंडो के माध्यम से नागरिकों और दूरदराज के क्षेत्रों के स्कूली छात्रों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। भगवंत राव विद्यालय परमिली के स्कूली बच्चों को हथियारों का प्रदर्शन, उपलब्ध आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन और स्कूली सामग्री का वितरण किया गया। हर घर तिरंगा अभियान के लिए विभिन्न गांवों और स्कूलों में तिरंगा वितरित किया गया और घर घर में तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को मनाने के बारे में जागरूकता फैलाई गई। शांति और पड़ोस समिति की बैठकें शासकीय आश्रम स्कूल परमिली में साइबर अपराध, बच्चों एवं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, व्यसन के दुष्परिणाम, प्रतियोगिता परीक्षा, वॉलीबॉल प्रतियोगिता, रक्षाबंधन कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन के संबंध में कानून के क्या प्रावधान है, उक्त अवधि में शासकीय योजनाओं के संबंध में शिविर लगाकर विभिन्न शासकीय प्रमाण पत्रों एवं कार्डों को हटाया गया है, छात्रों और नागरिकों को राष्ट्रगान के सामूहिक गायन के साथ साथ भारतीय ध्वज के बारे में बताया गया, मुक्ति पथ संस्था के माध्यम से नशा मुक्ति शिविर एवं परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रभारी अधिकारी धवल देशमुख, पोपानी अजय राठौर, दीपक सोनू ने, अजिंक्य जाधव और केंद्रीय रिजर्व बल के पुलिस निरीक्षक असित रंजन दास, राज्य रिजर्व बल के सहायक फौजदार मोहन धूमल, सभी पुलिस अधिकारियों ने इस पहल की सफलता के लिए सहजता से काम किया। अहेरी से BCN न्यूज के लिए आसिफ पठान की रिपोर्ट।